हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट कदम, अगला कदम क्या होगा। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। अब जब जी चाहे इसे देख सकते हो, जितने रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज कोई ना कोई क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। पॉजिटिव रहिए और रीडिंग को देखिए। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ कप्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स। वेरी गुड। द टावर। नाइन ऑफ सोर्ड्स। द एम्परर। द लवर। फाइव ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल। टेन ऑफ कप्स। बॉटम में आया सिक्स ऑफ सोर्ड्स। गाइस, यहां अगर एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर सभी साइन है। अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन है। अगर नंबर की बात मैं करूँ तो यहाँ कुछ ऐसे नंबर हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर फोर इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर फाइव इम्पोर्टेंट है, नंबर सिक्स इम्पोर्टेंट है, नंबर नाइन इम्पोर्टेंट है, नंबर टेन इम्पोर्टेंट है, नंबर थर्टीन इम्पोर्टेंट है और हाँ जी नंबर ट्वेल्व इम्पोर्टेंट है और नंबर सिक्सटीन भी इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ फोर नंबर रिपीटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्टीन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिक्स नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फोर नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस डेट को उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, या आप लोगों का बर्थडे हो, या आप लोग कैंडल लाइट डिनर करने गए हो। कुछ भी ऐसी महत्वपूर्ण यादें हो सकती है जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो गाइस, थर्ड पार्टी का अगला कदम क्या होगा? पहले थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं गाइस। ये जो पर्सन है
हो सकता है आप दोनों का एजिंग गैप काफ़ी हो, पास्ट में रिश्तों में थर्ड पार्टी जो है काफ़ी उसने आपके रिश्ते को, आपके पर्सन को या आपको डराया धमकाया है, काफ़ी ड्रामे हुए हैं। कुछ लोगों का रिश्ता तो काफ़ी बुरी तरह से तबाह हुआ है, काफ़ी लोगों की नेगेटिव बातें भी सुनी हैं, कई चीज़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन वो रिश्ता जो है ऐसा लगता है कि ख़त्म ही हो चुका है। आप जो हो, आप अपने पर्सन का वेट करते हो, क्योंकि आपने हमेशा अपने पर्सन के साथ वफा की है, सपोर्ट किया है, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकल हो, आप उनकी आंखों में पानी देख नहीं सकते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने काफ़ी बुरा भला कहा है, जिससे रिश्ता जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है। और कुछ लोग जो हैं नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, जो आज बात भी नहीं कर रहे। तो गाइस, ये आपकी कंडीशन है, लेकिन आपने वेट करना नहीं छोड़ा। आपके रिश्तों में बाहरी लोगों का इंटरफेयर दिखाया गया है, आर्गुमेंट हुए हैं, काफ़ी उलझने हैं और लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन आप अच्छे दिल के इंसान हो, आपने उनका वेट करना नहीं छोड़ा। थर्ड पार्टी जो है काफ़ी चुस्त है, काफ़ी तेज़ है, भले ही उनकी फैमिली है चाहे उनका कोई क्रश है, काफ़ी रोब जमाने वाली, अपनी चीज़ों को मनवाने वाली है। जब रिश्ते में थे आप दोनों, तो आपके पर्सन पूरी तरह क्लैरिटी नहीं देते थे, छुपे रस्तम थे। मैं नहीं कहती कि इमच्योर थे, मच्योर थे, चीज़ें बड़े हिसाब से चलने वाले इंसान थे, लेकिन ये जो रिश्ता है ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों का थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है, क्योंकि आप जो थे, आपको कभी कभी लगता था कि मेरा ये रिश्ता टूट ना जाए, जल्दबाजी करते थे, तो आपकी वो जल्दबाजी भी कहीं ना कहीं रंग लाई है। तो कोई बात नहीं, ये एक वक्त था, आगे भी देखते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट कदम, यानी कि अगला कदम क्या होगा। तो गाइस, थर्ड पार्टी जो इतना तन के घूम रही है आपके आपके पर्सन को अलग करके, उसका अगला कदम जो ये है कि वो आपके पर्सन के सामने काफ़ी ड्रामे करेगी, काफ़ी रोएगी, काफ़ी दुखी होगी, आपके पर्सन के सामने काफ़ी ऐसी हरकतें करेगी जो आपके पर्सन देख के दुखी भी होंगे और उनका दिल भी टूटेगा, चाहे उनकी फैमिली है चाहे कोई क्रश है। वो इतने नेगेटिव हुए पड़े हैं इस टाइम आपके पर्सन कि उनका डिसीजन पावर जो है बहुत वीक हुई पड़ी है। कहते एक होता है ना, माइंड सेट नहीं है उनका, तो वो अंदर से पूरी तरह नेगेटिव हुए पड़े हैं। नेगेटिव जब इंसान होता है तो क्या होता है, कुछ भी सोचने की उसमें ताकत नहीं रहती। तो थर्ड पार्टी ने काफ़ी ड्रामे करने हैं, काफ़ी प्यार मोहब्बत का वास्ता देना है आपके पर्सन को कि ये पर्सन मेरी तरफ आ जाए, लेकिन पर्सन जो है आने वाले टाइम पे थर्ड पार्टी की कारस्थानियाँ सब जान लेंगे, क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, वो चाहते हैं हम दो, हमारे दो की चीज़ें जो है, आपको वो मैरिज मटेरियल समझते हैं और हम दो हमारे वाली जो फीलिंग या मैरिज प्रॉपर्टी समझते हैं वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। द लवर का कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है। रिश्ते में जब ये था आप इसके पीछे पीछे घूमते थे, स्टार्टिंग में जब ये आपकी लाइफ में आया होगा आपने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और आप कहीं ना कहीं डरते थे कि ऐसे रिश्तों में दिक्कत आती है, लेकिन इस पर्सन के पीछे पीछे घूमने से आप पिघल गए और जब आप इनके पीछे पीछे घूमने लगे तो इनको जो है और चीज़ें नज़र आने लगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, एंजल की ब्लेसिंग है, ये पर्सन जो इनका ध्यान दूर रह के भी आप में है, ये आपको अभी तक भूले नहीं है। भले ही थर्ड पार्टी कितने ड्रामे करती है, कितना रोती है, कितना बिलखती है, लेकिन वो नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन मेन चीज़ें जो होती है वो आपके साथ सांझी करनी चाहते हैं। और नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्टी का कदम होगा, जो वो एक्शन लेने वाली है, वो है कि आपके पर्सन को वो प्रपोज करने वाली है।
अगर उनकी फैमिली है तो कोई और रिश्ता दिखाने वाली है, अगर वो कोई उनका क्रश है तो वो खुद प्रपोज करने वाली है, लेकिन आपके पर्सन जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाथ जोड़ के मना कर देंगे, कहेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ वही ठीक हूँ, डिवाइन मेरा सोच रहा है, ज़्यादा सोचने की मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि उनके दिल दिमाग में काफ़ी उलझने चल रही है, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी लोगों का प्रेशर होगा जब वो मना करेंगे, लेकिन इस टाइम वो ज़्यादा नेगेटिव है, तो आने वाले टाइम पे ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन का कार्ड आया है ये आता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट कदम थर्ड पार्टी का होगा आपके पर्सन को प्रपोज करना, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन का कंट्रोल उस पे आ जाए और उसके अकॉर्डिंग ही चले। डुगडुगी बजाने वाला इंसान जो होता है ना, किसी को डुगडुगी बजाओ वो हाँ हाँ करता जाए तो क्या है, वो बंदर की तरह डुगडुगी बजाने वाला सीन चाहती है। चलिए देखते हैं, कितना टाइम लगेगा। गाइस 2 वीक 2 मंथ में भी ये काम हो सकता है ये पर्सन का, और ये पर्सन जो है 1 ईयर भी लग सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये पर्सन है मौज मस्ती वाले फुल रोमांटिक इंसान, जब आपकी तरफ आएगा ये कहेगा कि तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हें भूल नहीं सका सका, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरा तन मन धन हो, तो जहाँ हाई प्रेस्टीज का कार्ड ये भी बताता है कि स्पिरिचुअल होके आएगा, लेकिन क्या है आपने समझदारी से काम लेना है। चलिए एक कार्ड अब कार्ड वाइज का और बनता है। गाइस ये एडवाइस का कार्ड ये है कि आप फाइनेंस के लावा लावा काफ़ी उलझे पुलझे रहते हो, काफ़ी स्ट्रेस है आपके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पेंटिकल का आपकी एनर्जी यहाँ पे भी आई है, पेंटिकल की यहाँ भी, फाइनेंस को लेके भी सीरियस हो, स्ट्रेस रहता है रिश्ते को लेके, फाइनेंस को लेके, तो थोड़ा सा इस स्ट्रेस को साइड करो, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनो। जब आप पॉजिटिव बनोगे ना तो ये चीज़ें जो है ना इम्प्रूव होगी, रिश्ते में रिश्ता बढ़ेगा। ज़्यादा लालच किसी चीज़ का पैड़ा है, अगर आप रिश्ते में ये पर्सन आएगा तो यहाँ हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, आपने पूरी तरह जांच परख के अपनी इंट्यूशन पे वर्क करके फिर इस पर्सन के साथ कदम बढ़ाने हैं, और दिल के साथ नहीं दिमाग के साथ चलना है कि चीज़ें फिर से ख़राब ना हो। जब इंसान दिल से चलता है तो चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो ये थे आज की रीडिंग आपके लिए। अगर आपको पसंद आई हो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। ओ जय माता दी।